हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आइए देखते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर फंक्शन एक्स की पावर 2n-1 इस टाइप में लिखा है तो इसको बोलते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके बच्चों, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो जो इसका ग्राफ होता है ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो इसका ग्राफ होता है ये ऐसे बनता है, जो कि मैंने रेड कलर के पेन से बनाया हुआ है। ये हमारा हो गया एक्स की पावर 2n-1 का ग्राफ। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तो क्या कहते हैं, एक्स की पावर 2n-1 का मतलब होता है x की पावर 3 या x की पावर 5, x की पावर 7। तो मैंने यहाँ तीनों का ग्राफ एक साथ बना के दिखाया हुआ है। रेड कलर के पेन से x की पावर 3 का ग्राफ बना हुआ है, ग्रीन कलर के पेन से x की पावर 5 का ग्राफ बना हुआ है और ब्लू कलर की पेन से x की पावर 7 का ग्राफ बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसका ग्राफ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा सभी ग्राफ का, चाहे वो एक्स की पावर 3 या 5 या 7 या 9 या 11 हो, जो भी हो, तो 1 और -1 ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। जितनी भी ग्राफ होंगी वो यहीं से होकर जाएंगी। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है हमारा डोमेन। डोमेन मतलब जो एक्स एक्सिस को कवर करता है, ये एक्स एक्सिस के पूरे रियल पार्ट को कवर करेगा, इसलिए इसका डोमेन होगा आर। वाई एक्सिस के भी पूरे रियल पार्ट को कवर करेगा, इसलिए इसका रेंज होगा आर। आइए समझते हैं ग्राफ की मदद से। जैसा कि आप ग्राफ देख सकते हैं, जो ग्राफ है हमारा एक्स की पावर 2n-1 एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है और वाई एक्सिस को भी पूरा कवर कर रहा है। ओके बच्चों, तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा रियल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब आर, और वाई एक्सिस को भी कवर कर रहा है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ वाई, मतलब आर। ओके बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। ये कॉन्टिन्यूटी देखते हैं इसकी। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ग्राफ कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है कहीं पे भी। जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ कहीं पे भी टूटा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी चलता चला जा रहा है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं डिफ्रेंसीबिलिटी को। तो ये डिफ्रेंसीबिलिटी फंक्शन है क्योंकि ग्राफ पहले बात तो कॉन्टिन्यूटी है, कहीं पर टूटा नहीं है और कहीं पर पिक्ड नहीं है, मतलब कहीं पर नोकीला या पहाड़ की तरह जो ऐसे ग्राफ बनते नहीं कहीं, तो ये ऐसे नोकीला नहीं है कहीं पे, तो ये डिफ्रेंसिबिलिटी फंक्शन भी होगा। और इसका नेचर क्या है, ये ऑड डिग्री फंक्शन है। अगर फंक्शन में हम लोग माइनस क्वांटिटी रखेंगे तो माइनस ही बाहर निकाल देगा। जैसे कि एक्स की पावर 3 में हम लोग एक्स को माइनस रखते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस एक्स की पावर 3, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को। जब एक्स -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो एक्स की पावर 3 बड़ा होगा, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 बड़ा होगा, एक्स की पावर 7 से, ऐसे सोन चलता चला जाएगा। ओके बच्चों, और जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -1 एंड 1 से ∞, और हमारा एक्स की पावर 3 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7। तो आइए इसको समझते हैं ग्राफ की मदद से। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं एक्स की पावर 3 का ग्राफ मैंने बताया रेड कलर के पेन से, ग्रीन कलर के पेन से एक्स की पावर 5 का ग्राफ, ब्लू कलर के पेन से एक्स की पावर 7 का ग्राफ। तो आइए देखते हैं -1 से 1 के बीच में सबसे ऊपर एक्स की पावर 3 का ग्राफ है, फिर एक्स की पावर 5 का ग्राफ है, फिर एक्स की पावर 7 का ग्राफ है। तो सबसे बड़ा होगा एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7। यहाँ पे ग्राफ में कैसे देखा जाता है कौन किससे ऊँचा है, तो उसको बोलते हैं ये इससे बड़ा है। ओके बच्चों,
तो यहाँ -1 से 1 के बीच में आप देख सकते हैं कौन किससे ऊंचा है, जो जिससे ऊंचा रहेगा वो उससे बड़ा रहेगा। और अब देखते हैं -1 से -∞ और 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ देख सकते हैं किसका ग्राफ सबसे ऊंचा है, x^7 का, x^5 का, x^3 का, x^7, x^5, x^3। ओके बच्चों।